वैष्णव महिला उत्सव सामाजिक विकास संस्कृति कल्याण समिति द्वारा हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में विशेष अतिथियों का सम्मान भी किया गया, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। राजधानी भोपाल में वैष्णव महिला उत्सव संस्कृत कल्याण समिति द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैष्णव महिला समिति के अध्यक्ष मनीषा देशमुख ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शपथ दिलाई गई है। विशेष अतिथियों को पौधा देकर सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में वैष्णव महिला उत्सव समिति की नीम चौक से आरती विश्वकर्मा, खुशबू सोनी, मधु सोनी, सोनिया सिंह, संगीता तायड़े, विमला ठाकुर, हेमा मालवीय, वंदना चौधरी, अर्चना ठाकुर और भी समिति की कई सदस्य उपस्थित रही। 2017 से हमारा हरियाली महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और हर साल इसी तरह से हम आयोजन करते हैं और उसके पहले हम लोग वृक्ष लगाते हैं। महीने भर तक हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है और वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम हर जगह जगह कॉलोनियों में जाके उन लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर उनको एक उत्सव के रूप में बुला के उनकी वहाँ की महिलाओं की जो प्रतिभा रहती है, किसी की डांस की, किसी की कविता की, किसी के गाने की, किसी की रैंप वॉक मॉडलिंग की, तो उनको हम बुला के एक स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। और हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के तहत हम स्टॉल भी प्रोवाइड करवाते हैं महिलाओं के। आज भी आप देखिए, जगह कमी होने के कारण हमने केवल 11 स्टॉल लगवाए हैं और सभी महिलाएं आई हैं हंसी खुशी। और मैं इसीलिए चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था केवल दूसरा या तीसरा कार्यक्रम था, और आज के दिन 19 तारीख को कम से कम 5 जगह इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। भले महिलाओं के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, पुरुषों के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, बच्चों के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, पर हिंदू सनातन धर्म के जो आयोजन है उस तरह को संगीतमय हम लोग वातावरण के तरह बच्चों को शिक्षा के लिए हम लोग जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है और हमेशा ये कोशिश वैष्णव महिला समिति की तरफ से हमेशा होती रही। धन्यवाद। आज वैष्णव महिला उत्सव ने बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रखा है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डांस की प्रस्तुति हुई है, साथ ही रैम वॉक कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए मैं मनीषा जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं इनके साथ जुड़ी और मुझे यहां आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि जस्ट अपने आप पे बिलीव कीजिए, डजंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपके साथ लोग बाग ट्रीट करेंगे, तो जस्ट अपने आप को सर्वोपरि रखिए, बाकी सब बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।